देखिए अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 50 से नीचे 36 बार जा चुका है और ये प्रमाणित डाटा आ चुका है, मेडिकल जो रिपोर्ट है जेल की उसके द्वारा हमारे वकील को मुहैया कराया गया है केजरीवाल साहब के। आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर साजिश कर रहे हैं। 50 से कम शुगर लेवल में आदमी कोमा में जा सकता है, इतनी गंभीर स्थिति है, और बावजूद इसके आपने एक फर्जी मुकदमा सीबीआई का तैयार किया सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, जब उनको ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी, जब उनको हाई कोर्ट में आप पहुंच के तुरंत बगैर ऑर्डर की कॉपी के, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया उनकी रिहाई पे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, मामला अरविंद केजरीवाल को मारने की एक गहरी साजिश तक है। इसलिए उनको तुरंत रिहा किया जाए और ईडी सीबीआई आईटी जो इनका भाई है भाजपाइयों का मोदी जी का, उसको निर्देश दिया जाए कि विपक्षी नेताओं को जिस तरह से वो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं ये सब बंद करें, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। करो रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो बंद करो, हिटलर शाही बंद करो, बंद करो बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो